अपनी मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए पी जाएगा वनराज ये कड़वा घूंट मगर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। वनराज शाह जो अनुपमा के पास आया है अपना दिल हल्का करने के लिए। अनुपमा तो एक डस्टबिन है ही जिसमें कोई भी अपना दिल हल्का करता है और फिर डस्टबिन पे ढक्कन डालता है कि ये जो अंदर का कचरा है ये बाहर नहीं आना चाहिए। अब ये भूल जाते हैं कि वो डस्टबिन इंसान है, कोई प्लास्टिक या किसी और चीज का डस्टबिन नहीं है। खैर, हर किसी की अपनी अपनी फितरत है, वहां से ये लोग बोलते हैं। मगर यहाँ पे पॉइंट ये है दोस्तों कि वनराज ने जो उसके बाद कहा कि बताना मत अनुज को, ये क्या था? ये उसकी मेल ईगो थी। इससे पहले हमने देखा सीन जो हो रहा था कि वनराज के पैर पे क्रैम्प आ गया था, फिर उसने वो ठीक किया, बुड्ढे हो गए हो, ये हो गया, ऐसी ऐसी बातें हुई। तो ये सब बातें कहीं ना कहीं मेल ईगो से ही निकलती हैं। वनराज को बड़ा मान हो रहा था कि इस उम्र में भी मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, और अब जब ये राज सामने आ जाएगा कि ये तो वनराज की पत्नी किसी और के साथ जाके करके आई, तो वनराज की ईगो हर्ट हो जाएगी, समाज में थू थू हो जाएगी। अरे ये कैसा आदमी है जो वनराज ने कहा, उसकी भाषा में बोल रही हूं। तो अब दोस्तों वनराज का फैसला तो काफी हद तक समझ में आ रहा है, मगर ये जो फैसला वनराज लेने जा रहा है क्या ये फैसला टिकेगा, और अगर टिकेगा भी तो कब तक टिकेगा? चलिए बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो वनराज शाह ने आज मन ही मन में फैसला ले लिया है और अनुपमा से बात करने के बाद हल्का महसूस किया है और कहा है कि अब मैं शायद कुछ सोच पाऊं, मगर अपनी सोच को वो अनुपमा के सामने पहले ही बता चुका है कि ये राज राज ही रहेगा। अब राज तो राज रहेगा, कोई बात नहीं, किसी को नहीं बताएंगे, कोई नहीं जानेगा कि ये बच्चा किसका है, मगर ये जो राज होते हैं, जैसे कि अनुपमा ने पहले भी काव्या के साथ बात करते हुए कहा, ये जो सच होते हैं जिनको हम छुपाते हैं, ये ऐसे मोमेंट पे सामने आते हैं कि वो धजियां उड़ा देते हैं परिवार की। हर एक सच की अनुपमा ने बात की थी वहां पे काव्या के साथ, जैसे कि ये सच भी उसने कहा कि आज सामने आया जब बेबी शावर तुमने मुझे बता दिया। खैर, अब दोस्तों शाह परिवार जिसमें मुद्दों की कभी कमी रही नहीं है, शाह परिवार में छोटी से छोटी बात भी मुद्दा है और बड़ी से बड़ी बात तो है ही। अब यहां पे इस घर में दो लोग रहेंगे जो मेन लोग हैं घर के, घर का बेटा वनराज शाह और उसकी पत्नी काव्या और उसका होने वाला बच्चा जिसको वनराज शाह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, और ये जो एक्सेप्टेंस नहीं होगी क्या वनराज शाह एक्टिंग करेगा उसको एक्सेप्ट करने की, जबकि वो काव्या का नाम नहीं लेना चाहता, मुंह से नाम आता है तो भी कड़वाहट महसूस होती है, तो क्या वो बच्चे को वैसी तरीके से देख पाएगा जैसे वो पहले सोच रहा था? नहीं देख पाएगा। और बात जिसकी नजर हमेशा अपने बेटे पे रहती है, वनराज शाह उदास है तो उसको पता होता कि क्या हुआ है, क्या सोच रहा है मेरा बेटा, क्या बा इस बात की भनक नहीं लगा लेगी, क्या डिम्पी नहीं बैठी रहेगी उसमें कि ये इतना प्यार करने वाला पिता ये कर क्या रहा है। और यहां पे दोस्तों बड़ी बात ये है कि कर्मा, जैसे वनराज ने कहा कि अब मेरे कर्मा सामने आ रहे हैं और एक एक चीज उसने गिनवाई, बा के भी तो सामने आएंगे, हर एक किसी को उसी कर्मा का हिसाब देना पड़ेगा ना जो किया है। आपको याद होगा कि जब छोटी पहली बार बा से मिली थी और उसके बाद रेगुलर बा और परिवार में आती रही थी छोटी, तो बा का रवैया छोटी के प्रति क्या था कि पता नहीं किसका खून है, नाथालय से उठा लाए हैं, ये बना दिया, वो बच्चे के प्रति ये रवैया था बा का। अब बा के ही घर में एक ऐसा बच्चा पलने जा रहा है जो किसी और का है, उसके बेटे का नहीं है। तो जिस दिन बा को ये बात पता चल गई या उसको थोड़ी भनक भी लग गई, तो आप सोच के देखिए कि उस समय बा का क्या हाल होगा। कर्मा तो डेफिनेटली वापस मिलेंगे, मगर साथ में ये भी मिलेगा कि अगर हम किसी को, जैसे कि काव्या को, अपनी बहू को दुख देते हैं, उस समय हम नहीं संभालते हैं रिश्तों को, क्योंकि अगर वनराज से झगड़ा था काव्या का तो बा भी तो संभाल सकती थी,
भाभी तो काव्या का हालचाल पूछ सकती थी, मगर किसी ने काव्या की परवाह नहीं की। घर से बहू चली गई, किसी ने हालचाल भी नहीं पूछा। ये सारी गलतियां, ये सारी चीजें बा के सामने भी घूमेंगी। और ये जो सच है दोस्तों, ये छुपा नहीं रहेगा, क्योंकि ये छुपाने वाले लोग इंसान ही हैं, और ये वो इंसान है जिन्होंने हर किसी के सच की धज्जियां उड़ाई हैं, हर किसी को सबके सामने नंगा किया है, फिर उसका मजाक भी उड़ाया है। अब इनके सामने ये सब कुछ होगा और इन्हीं के लिए होगा। याद है आपको बा कहती चलो कपाड़िया हाउस ड्रामा देखने को मिलेगा, बरखा रानी ये वो माया का कहती थी ना बा, अब ये सब इनके घर पे होगा। तो ये पूरा का पूरा मसाला जो है तैयार हो रहा है, और ये मसाला अभी नहीं, महीने बाद, दो महीने बाद सामने आएगा ही आएगा, और तब देखने वाला होगा शाह परिवार, खास करके बा। तो वेट एंड वॉच का ही टाइम है ये तो, क्योंकि अभी तो वनराज शाह ये सच दबाने वाला है, मगर ये सच दबेगा नहीं। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.